हेलो गाइज, वेलकम टू रियल का पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइज, जैसे आपने इंट्रो वीडियो से पहचान ही लिया होगा, आज हम बात कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी कार टाटा पंच की। और ये जो मॉडल आप हमारे सामने देख रहे हो, ये है टाटा पंच एडवेंचर AMT विद रिदम पैक। एंड ये कार आपको कॉस्ट करती है 8.46 लाख ऑन रोड प्राइस। तो शुरू करते हैं कार का वॉक अराउंड वीडियो और देखते हैं कि इस कार में आपको क्या क्या मिलता है। बात करें कार के फ्रंट की, तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में फिनिश देखने को मिलेगी, सेंटर में टाटा का लोगो, और यहाँ पे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको ग्लॉसी ब्लैक का ज्यादा यूज देखने को मिलेगा। रेडिएटर ग्रिल की बात करूँ तो ट्राई एरो का पैटर्न आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। बात करूँ हेडलैम्प सेटअप की, तो इसमें आपको हैलोजन ही हेडलाइट्स ही देखने को मिलेंगी। एंड साथ ही साथ इसमें कोई DRL आपको नहीं मिलेगा, हैलोजन इंडिकेटर मिल जाएंगे। इस वेरियंट में आपको फॉग लैम्प भी ऑफर नहीं किए जाते हैं। सो ओवरऑल कार का फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का है। कार कॉम्पैक्ट और बॉक्सी डिजाइन के साथ आती है, बट कार काफी ज्यादा मस्कुलर लगती है देखने में। बात करूं यार कार के टायर प्रोफाइल की, तो इस कार में आपको 15 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, जिनका प्रोफाइल है 185/70R15। एंड ये जो आप देख रहे हो, ये आपको व्हील कैप ऑफर की जाती है इस कार में, कोई अलॉय नहीं मिलते हैं, बट जो व्हील कैप का डिजाइन भी काफी अच्छा लगता है देखने में। इस कार में आपको बॉडी कलर में ही ORVM देखने को मिल जाते हैं, एंड साथ ही साथ इंडिकेटर की प्लेसिंग भी इसी में की गई है। एंड ये जो ORVM है, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVM इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। और ये जो आप बॉडी क्लाइडिंग देख रहे हो ना, ये क्लाइडिंग पूरा जाती है एंड तक, एंड ये इस कार को काफी ज्यादा SUV-ish लुक देती है। इस वेरिएंट में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं। एंड अगर बात करूँ कार के साइड प्रोफाइल की, तो कार का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से लगता है। अब बात चलते हैं कार के बैक में एंड देखते हैं कार का बैक प्रोफाइल कैसा है। तो ये जो आप टेल लाइट देख रहे हो, यहाँ पे टेल लाइट में आपको LED के सिर्फ स्ट्रिप्स दिखेगी, बाकी हैलोजन का सेटअप है टेल लाइट में भी। बाकी हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगा। डिफॉगर एंड रियर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। बात करें बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस के लिए यहाँ पे आपको रेक्वायर सेंसर मिल जाएगा। एंड बूट स्पेस जो इस कार में ऑफर किया जाता है वो है 366 लीटर, तो इस कार में आपको 366 लीटर का ह्यूज बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट की कार में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आपको बूट लैम्प भी प्रोवाइड किया गया है। एंड स्पेस के हिसाब से बात करूँ तो स्पेस काफ़ी सफिशिएंट है, एंड आप इजीली इसमें अपना लगेज वगैरह कैरी कर सकते हो। बूट थोड़ा डीप है, तो आपको थोड़ा भारी लगेज उतारने और चढ़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज कार का बूट स्पेस काफ़ी सफिशिएंट है। अब चलते हैं, करते हैं बूट को बंद एंड चलते हैं कार के अंदर, एंड अंदर जाके देखते हैं कार का इंटीरियर कैसा है। तो गाइस, डोर ओपन करते ही सबसे पहले आप नोटिस करोगे इसके 90° ओपनिंग डोर। उसके साथ इसमें ड्यूल शेड का यूज़ किया गया है, एंड यहाँ पे आपको विंडोज़ के सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस, जो इसका ये डोर 90° में इतना वाइड ओपन होता है ना, तो ये काफ़ी हेल्प करता है एल्डर लोगों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए, कार में चढ़ने और उतरने के लिए। बिकॉज जब भी आप इस कार में चढ़ोगे या फिर इस कार से उतरोगे, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बन जाता है इस कार में चढ़ना और उतरना। इस वेरिएंट में आपको सीट हाइट एडजस्टेबल का फीचर नहीं मिलता, इसके अपर वेरिएंट से आपको ये फीचर मिलने लग जाता है। अब चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कि अंदर से कार का इंटीरियर कैसा लगता है। तो गाइस, कार के अंदर बैठते ही कार आपको काफ़ी एरी फील होती है, और इस कार में जो विजिबिलिटी ऑफर की जाती है ना, वो भी बहुत अच्छी है। आपको पूरा बोनट क्लियर दिखाई देता है यहाँ से बैठ के। एंड अगर बात करूँ इसके ए पिलर की, जो लोग काफ़ी लोग रेस करते हैं कंसर्न नेक्सॉन में, इसके ए पिलर से आपकी इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी ब्लॉक नहीं होती है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करता है इसका गाड़ी का ए पिलर आपके लिए। बाकी ओवरऑल इंटीरियर कुछ ऐसा लगता है कार का। एंड जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ की गई है ना डैशबोर्ड में, वो भी काफ़ी अच्छी है, तो प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है यहाँ पे डैशबोर्ड में। एंड अगर स्टेयरिंग की बात करूँ, तो इस कार में आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग देखने को मिलेगा, एंड जो आपको म्यूजिक कंट्रोल दिए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अब कार स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इस कार में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा दिया गया है।
तो इस कार में जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, यहाँ पे आपको टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर एंड बीच में एमआईडी दी गई है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एमआईडी में देखने को मिल जाएगी इस कार की। 7 इंच का हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम इस कार में आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो इसका टच रिस्पॉन्स डिसेंट है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते और ज़्यादा बुरा भी नहीं कह सकते। एंड इसके नीचे ही आपको एसी के वेंट्स देखने को मिल जाएंगे, एंड जिसमें ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया गया है, एंड काफ़ी अच्छा लगता है ये। और एसी इसका काफ़ी इफेक्टिव है गाइस, तो काफ़ी अच्छा एसी है इस कार में। बात करें इसके नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे एसी से रिलेटेड, और ये काफ़ी अच्छा है यार, टाटा का बड़ा अच्छा लगता है ये, आपको लगेगा ही नहीं ये मैनुअल जैसा है, ऑटोमेटिक जैसे फील देता है आपको। इसके नीचे ही आपको गियर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो यहीं पे आपको इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे ही आपको हैंडब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पे एक सॉकेट के लिए जगह खाली है, एंड यहाँ पे आपको 12 वॉट का सॉकेट देखने को मिलेगा, साथ में एक यूएसबी पोर्ट, एंड यहाँ पे थोड़ा स्पेस है जहाँ पे अपना सामान कैरी कर सकते हो। ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल एंड सोबर रखा गया है, बट जो ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है इसकी वजह से डैशबोर्ड देखने में काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। इसके साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके मोड्स, सिटी एंड इको मोड्स इसमें आते हैं। इसमें ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा, एंड यहीं पे आपको एक रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाएगा, बट ये एलईडी में नहीं है, यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पे वैनिटी विनर आपको मिल जाएगा, बट कोई लाइट का ऑप्शन नहीं है। अगर बात करूँ कार की सीट्स की, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको सीट पे देखने को मिलेगा, कुशनिंग भी सीट्स की काफ़ी अच्छी है, एंड काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी। आपको कभी भी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा, थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है सीट में, एंड ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इस कार में। गाइस अब चलते हैं कार की रियर सीट में, एंड देखते हैं कि इस कार में रियर सीट में कितना कंफर्ट है। तो अगेन गाइज, अगर सबसे पहले बात करूँ जो इसके 90 डिग्री डोर ओपन होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपके घर में कोई एल्डर पीपल हैं या ओल्ड एज पीपल हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो गाइज इस कार में ना आपको एक डिसेंट लेग रूम देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ कार में थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, एंड कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है कार की, रिक्लाइन एंगल भी कार का काफ़ी सही है। तो कभी भी आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो पीछे भी आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा इस कार में। एंड ओवरऑल ये कार मैंने चलाई है पहले भी, तो इसका सस्पेंशन भी इस कार का काफ़ी अच्छा ट्यून किया गया है, तो आपको कभी भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता अगर आप किसी ख़राब रोड पे भी चलते हैं तो। ओवरऑल सस्पेंशन वाइज भी कार काफ़ी अच्छी है, हम्प इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो 3 लोग अगर बैठते हैं तो ईजिली बैठ सकते हैं इस कार में, 2 एडल्ट और 1 बच्चा मैं बोलूँगा बेसिकली। एंड गाइस इस समय इस प्राइस रेंज में ये कार एक बेस्ट ऑप्शन है, यही रीज़न है इसीलिए ये कार अपने सेगमेंट को रूल कर रही है इस टाइम। एंड अगर आप भी ये कार प्लान कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं बेस्ट डील के लिए टाटा मोटर्स गुड़गांव मेहरोली रोड। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।